ओके स्टूडेंट, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? ओके यस मैम, यस मैम, स्टूडेंट, थैंक यू। यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए स्टूडेंट, तो आपको पता है हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया है, कौन सा स्टार्ट किया? नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में आप संख्या पद्धति भी बोल सकते हैं, संख्या प्रणाली बोलिए, उसका आज हमारा फोर्थ लेक्चर है, चौथा लेक्चर है, ठीक है। और इसमें आज क्या करने वाले, एक बार मैं आपको क्विकली बता देती हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट, हम यहाँ पे जो मोनोमियल सर्ड होता है, एक बार वापस से रिवाइज करेंगे सर्ड का डेफिनेशन क्या होता है, परिभाषा क्या होती है। तो अगर आपके पास दो मोनोमियल सर्ड दिए हुए, मोनोमियल मतलब जहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म हो, आपको पता है ना सर्ड में, क्योंकि हमने कल क्या है जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें सीखा था कि अलग अलग टाइप्स ऑफ सर्ड सीखा था, ठीक है। तो अगर आपको मोनोमियल सर्ड दिया है तो उनको कंपेयर कैसे करेंगे, मतलब किसकी वैल्यू बड़ी है, किसकी छोटी है, ठीक है, मतलब तुलना कैसे करेंगे, जो हमें सर दिया है स्टूडेंट यहाँ पे, जिसको आप हिंदी में यहाँ पे करनी बोल रहे हैं, ठीक है, तो उनकी तुलना कैसे करेंगे, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, वो सीखेंगे। उसके बाद स्टूडेंट, अगर आपको सर दिया है, ठीक है, तो उनको ऐड कैसे करेंगे, जमा कैसे करेंगे, घटा कैसे करेंगे, भाग कैसे करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट, और गुणा कैसे करेंगे, ये आज हम सीखेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है स्टूडेंट, कंपेरिजन ऑफ मोनोमियल सर्ड्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन ऑफ सर्ड। तो ये चीज हम सीखने वाले हैं, सबको समझ में आया स्टूडेंट, ये हमारा नंबर सिस्टम का फोर्थ लेक्चर है और उसमें हम ये टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन, सबका यहाँ पे वेलकम, स्वागत है यहाँ पे स्टूडेंट। तो हमारा अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, फोर्थ लेक्चर है और ये आज का टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास अटेंड करके आप क्या सीख जाएंगे स्टूडेंट, पहला तो आप, अगर आपको मोनोमियल सर्ड्स दिया है, मोनोमियल का मतलब होता है एक पदी, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्टूडेंट, एक पदी सर्ड मतलब करनी, आप यहाँ पे बोल रहे हैं, अगर आपको सर्ड्स दिए हैं तो आप उनको कंपेयर कैसे करेंगे, मतलब कौन सा बड़ा है किसकी वैल्यू ज्यादा है, ये कैसे जानेंगे, ये आज हम सीखने वाले हैं। और उसके बाद क्या है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन ऑफ सर्ड्स करेंगे, मतलब जमा, घटा, गुणा एंड भाग कैसे करते हैं सर्ड्स का, वो आज हम सीखेंगे, ठीक है। सबको समझ में आया, ये क्लास अटेंड करने के बाद ये चीज आप सीख जाओगे। यस मैम, ओके स्टूडेंट, यहाँ पे तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। पहले तो कितने बच्चे मुझे बताएंगे, आपको लास्ट टाइम हमने सर्ड का डेफिनेशन सीखा था स्टूडेंट, जिसको हिंदी में हम करनी बोल रहे हैं, याद है कि नहीं? जो भी स्टूडेंट क्लास में है प्लीज बताइए, याद है कि नहीं आपको? याद है, ओके, ठीक है। तो कोई स्टूडेंट अगर मुझे बताना चाहेगा तो प्लीज बता दीजिए, या नहीं तो मैं यहाँ पे वेट करूँ, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट है हमारे पास। कोई स्टूडेंट यहाँ पे बताना चाहे, सिंबल तो मैं यहाँ पे बना के दिखाऊंगी वो, क्योंकि आप कैसे रीड करोगे स्टूडेंट, देखिए, ठीक है। यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट हैंड रेज कर सकते हैं, अगर आप मुझे उसका मतलब समझाना चाहते हैं, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने सर्ड का डेफिनेशन सीखा था, उसके टाइप सीखे थे और क्वेश्चन भी सोल्व किया, ठीक है। प्लीज यहाँ पे कोई स्टूडेंट यहाँ पे हैंड रेज कीजिए, काफी स्टूडेंट है हमारे पास। कोई भी स्टूडेंट बताइए, याद है कि नहीं आपको? कोई बोल ही नहीं रहा है, ठीक है, टेंशन मत लीजिए स्टूडेंट, ये आप ध्यान दीजिए, हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था, देखो ऐसा सिंबल यहाँ पे मैंने लिख दिया है एन और यहाँ पे लिख दिया एक्स, तो बेसिकली ये इसको हम बोल रहे थे रेडिकल, ठीक है। तो ऐसा जो आपको एक्सप्रेशन दिखता है ना, उसको हम रेडिकल बोल रहे थे, लेकिन आपके सिलेबस की बात की जाए तो स्टूडेंट, आपके सिलेबस में हम पढ़ रहे रेडिकल्स ही पढ़ रहे, लेकिन रेडिकल्स में भी हम स्पेशली सर्ड पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे सर्ड, ठीक है। तो वहां पे हमने अगर सर्ड की डेफिनेशन की बात की जाए स्टूडेंट यहाँ पे, तो ये जो एन ले रहे हैं, ये आप यहाँ पे आपका सिलेबस के हिसाब से बात करें तो ये आपका एक नेचुरल नंबर है, हिंदी में बात करें तो स्टूडेंट ये एक प्राकृतिक संख्या आप ले रहे हैं एन को, ठीक है। और यहाँ पे जो एक्स मैं बोल रही, चाहे तो आप ए बोल दीजिए, यहाँ पे हमने जो डेफिनेशन में ए लिखा था, तो ये जो है ये स्टूडेंट आपने क्या लिया, इसको पॉजिटिव रैशनल नंबर, इंग्लिश में बात करें तो पॉजिटिव रैशनल नंबर ये हमने लिया, ठीक है। हिंदी में बात करें तो स्टूडेंट क्या हो गया, धनात्मक, ये आपका रैशनल नंबर को हिंदी में हम बोलते हैं परिमेय संख्या, समझ में आया। तो अगर आपके पास ऐसा कुछ एक्सप्रेशन दिख रहा है ऐसा, ठीक है, और आपने बोला है एन यहाँ पे नेचुरल नंबर है, और आपने बोला है एक्स ये आपका जो है ये आपका पॉजिटिव रैशनल नंबर है, मतलब धनात्मक यहाँ पे परिमेय संख्या है स्टूडेंट यहाँ पे, और तो ये जो टोटल एक्सप्रेशन, अगर आपको एक इरेशनल नंबर मिल रहा है तो प्लस और माइनस ऑफ दिस एक्सप्रेशन ये आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सर्ड। और सर्ड का ऑर्डर क्या होता है स्टूडेंट हिंदी में, जिस सर्ड की बात करें, जिसको हिंदी में हम करनी बोल रहे हैं, उसके ऑर्डर की बात की जाए एन होता है यहाँ पे, ठीक है, समझ में आए स्टूडेंट। इसको रीड कैसे करते हैं, याद है, इसको हम रीड ऐसा करते हैं, देखो एंथ रूट ऑफ, क्योंकि हम बार बार ये यूज करने वाले हैं, एंथ रूट ऑफ एक्स ऐसा कहलाएगा, ठीक है। और ये चीज आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, ये जो मैं लिख के दिखा रही हूँ ये चीज,
ठीक है, इसका मतलब है क्या, इसका मतलब है हमारे पास, एक सेकेंड यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ तो शायद से इश्यू हो रहा है, एक सेकेंड। ओके, कितने स्टूडेंट को याद है इसका मतलब क्या मैंने बताया था? इसका मतलब ये है कि x का पावर आपके पास कितना है, 1/n, और इसका हमने सिंपल मीनिंग भी था कि अगर आप ये जो क्या है nth रूट ऑफ x को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट, n बार खुद से ही मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा x। ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल भी दिया था, जैसे स्टूडेंट ये वाला एग्जाम्पल रूट टू, जिसको आप यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ टू भी बोलते हैं हिंदी में, बच्चे यहाँ पे इसको वर्गमूल ऑफ दो बोलेंगे। ठीक है, तो अगर आप इसको दो बार मल्टीप्लाई कर रहे हो ना स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है, तो आपको क्या मिला है, टू मिल रहा है। तो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा, तो आप इसको क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्पेशली यहाँ पे मैं एन लिख के बता रही थी ना, समझ में आ रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिया है, तो ये आप क्या बोल रहे हैं, ये क्या है, हिंदी में बात करें तो स्टूडेंट वर्गमूल ऑफ टू, वर्गमूल दो का हो गया, और यहाँ पे इंग्लिश में बात की जाए तो स्टूडेंट ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ टू। इसका मतलब क्या है, वापिस एक बार मैं दिखा देती हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ टू का मतलब है 2 का पावर 1/2। ठीक है, समझ में आया, प्लीज बताइए स्टूडेंट। यस मैम, वेरी गुड। आगे देखिए यहाँ पे, अगर स्टूडेंट मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है, तो मतलब ये है, यहाँ पे देखो इसको हम बोलते, क्योंकि यहाँ पे वर्ड हम बार बार यूज करते, इसको रीड करेंगे आप, क्यूब रूट ऑफ टू। ठीक है, मतलब 2 का पावर कितना हो गया, 1/3, मतलब क्यूब रूट ऑफ टू को आप खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट, 2 मिलेगा। समझ में आ रहा है? ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा रिवीजन था, तो जो मैंने यहाँ पे लिखा वो सब मैं इरेज कर देती हूँ। अभी बात करते कंपैरिजन, ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ मोनोमियल सर्ड, तो आपको पता है सर्ड का डेफिनेशन अभी मैंने आपको लिख के बताया था, वही यहाँ पे, क्योंकि उसको हम मोनोमियल सर्ड भी बोलते हैं स्टूडेंट, क्योंकि एक ही अगर सिंपल सर्ड, जैसे अभी देखिए ये मैंने लिखा, आप एग्री करेंगे कि ये सर्ड का एग्जाम्पल है। ठीक है, मैं ऐसा भी लिखा, देखिए ऐसा, जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने 2, तो ये भी आप इसको रीड कैसे करोगे, इसको रीड करोगे दूसरे वाले को क्यूब रूट ऑफ 2, पहले वाले को कैसे रीड करोगे स्टूडेंट, स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, हिंदी में बोले तो स्टूडेंट यहाँ पे पहला वाला क्या हो गया, वर्गमूल 2 का, और दूसरे वाला क्या हो गया आपका, घनमूल हो गया 2 का। समझ में आ रहा है? यस मैम, यस मैम। ओके, ठीक है स्टूडेंट, तो ये चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर आपको सर्ड्स दिया है, हिंदी में बोले तो करनी दिया हुआ है, तो उनकी तुलना कैसे करेंगे कि किसकी वैल्यू ज्यादा है, मतलब मान किसका ज्यादा है कि कम है, ये कैसे पता चलेगा? तो एकदम सिंपल की बात करें, यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट अगर आपको मोनोमियल सर्ड दिया हुआ है तो हमें उनको कंपेयर करना है, तो क्या करना पड़ेगा, अगर आपके पास जो सर्ड दिया है, जो करनी दी हुई है, उनका ऑर्डर सेम है, तो हम इजिली कंपेयर कर पाएंगे। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे अगर आपके पास कोई नंबर ए और बी है, ठीक है, और आपको पता है यहाँ पे सर्ड की डेफिनेशन के हिसाब से हम यहाँ पे जो ए और बी है वो क्या ले रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे पॉजिटिव रैशनल नंबर ले रहे हैं, हिंदी में बात करें तो ये स्टूडेंट धनात्मक आपका क्या हो गया, परिमेय संख्या ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास a लेस देन b है तो nth रूट ऑफ a आपका लेस देन हो गया nth रूट ऑफ b। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, जैसे एग्जांपल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, कितने बच्चे एग्री करेंगे कि 2 5 से छोटा है, ऐसा लिख सकती हूँ मैं, लिख सकती हूँ ना? यस मैम, उदाहरण में दे रही हूँ, बहुत सारे उदाहरण लिखेंगे स्टूडेंट, तो आपको पता है 2 5 से छोटा है, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे देखिए, सपोज यहाँ पे मैंने लिखा क्यूब रूट ऑफ 2, तो क्यूब रूट ऑफ 2 आपका किससे छोटा रहेगा, क्यूब रूट ऑफ 5 से। बात समझ में आई? यस मैम, बहुत सारे एग्जाम्पल लिखेंगे। ठीक है, तो और भी एग्जाम्पल जैसे आपको चाहिए तो मैं लिख देती हूँ, जैसे आपको पता है 3 4 से छोटा है, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, जैसे मैं यहाँ पे लिख दू 5th root of 3, तो ये किससे छोटा हो जाएगा, 5th root of 4 से। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे मैं शो नहीं हो रहा है, एक सेकेंड यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे शो नहीं हो रहा है आपको यहाँ पे? नो मैम, स्टूडेंट यहाँ पे प्लीज यहाँ पे मुझे एक मिनट दीजिए, मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग बंद किया है, वापिस से स्टार्ट करती हूँ, एंड यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे शायद गूगल मीट का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, मैं वापिस से ट्राई करती हूँ। देखिए अभी बताइए, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है स्टूडेंट? यस मैम, यस मैम, वेरी गुड। तो स्टूडेंट समझ में आया, अगर आपके पास मोनोमियल सर्ड दिया, मतलब सिंपल सर्ड दिया हुआ है, ठीक है, तो अगर आपको पता है, आपको क्या है यहाँ पे सर्ड को कंपेयर करना है, तुलना करनी है, करनी की स्टूडेंट आपको,
कि वो उनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, मतलब किसका मान ज्यादा है किसका कम है ये आपको जानना है। तो क्या करना है स्टूडेंट यहाँ पे, अगर आपके पास a लेस देन b है इन जनरल, ठीक है, तो nth रूट ऑफ a लेस देन हो जाएगा nth रूट ऑफ b के। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, आप बहुत सारे एग्जाम्पल और लिख सकते हैं। जैसे आपको पता है 2 पाई से छोटा है, तो यहाँ पे अगर मैं लू क्यूब रूट ऑफ 2, ये भी लेस देन हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 5 से। समझ में आया यहाँ पे? तो यहाँ पे ऑर्डर ध्यान दीजिए, ठीक है, ये जो n लिखा है ये आपका सर्ट का ऑर्डर कहलाता है, ठीक है। प्लीज बताइए समझ में आया इतनी बात, अभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो भी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है स्टूडेंट। अगर आपको पता है कोई नंबर दूसरे नंबर से छोटा है, तो अगर आप दोनों नंबर का यहाँ पे क्या ले रहे हैं, यहाँ पे nth रूट निकालेंगे, तो यहाँ पे देखियो जैसे 2 लेस देन 5 है स्टूडेंट, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं nth रूट ऑफ 2 लेस देन हो जाएगा nth रूट ऑफ 5 से, ठीक है। इन जनरल की बात करो, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, जैसे 3 4 से छोटा है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, जो nth रूट ऑफ 3 लेंगे वो आपका छोटा किससे होगा, nth रूट ऑफ 4 से, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? प्लीज बताइए स्टूडेंट। यस मैम। अच्छा जिसको yes, नहीं समझ में आया प्लीज बताइए, कोई स्टूडेंट बोल रहा है कि नो मैम, पक्का ना सबको समझ में आया? चैट भी मैं चेक कर रही हूँ, कुछ डाउट रहेगा तो आप चैट सेक्शन में भी मुझे बताइए, ठीक है। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल होगा स्टूडेंट। अभी देखिए स्टूडेंट यहाँ पे तो क्या हुआ था, हमने क्या लिया था, जो सर लिए थे वो सेम ऑर्डर के लिए थे, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा था क्यूब रूट ऑफ 2 लेस देन क्यूब रूट ऑफ 5, ठीक है। एक बार चेक कर लेते, किसी ने कुछ पूछा है क्या? प्रीतिका आपका हैंड रेज है, कुछ पूछना चाह रहे हैं? यस मैम। मैम मैं पूछ रही थी, ये जो मैम 5 रूट 3 लिखा मैम, यहाँ पे 5 कैसे आया? अच्छा ये यस अच्छा स्टूडेंट मैं क्या बता रही हूँ आपको, यहाँ पे क्या है, सर्ट्स को कंपेयर करना है, ठीक है। कंपेयर करना मतलब तुलना करनी है उसकी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इन जनरल बता रही हूँ, अगर आपको पता है कोई नंबर है दूसरे नंबर से छोटा है, a लेस देन b है, तो nth रूट ऑफ a भी nth किससे छोटा रहेगा, nth रूट ऑफ b से। तो वही चीज यहाँ पे मैंने पर्टिकुलरली एग्जाम्पल लिखा, आप चाहे तो ऐसा लिख सके 2 3 से छोटा है, 2 आपको पता है 7 से भी छोटा है, ये एग्जाम्पल मैंने लिखा, ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट? तो यहाँ पे मैंने देखो, ये देखो एक बार दूसरा कलर यूज करते हैं, ये वाला देखिए मैंने यहाँ पे 3 लिखा है, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे 6 ले लीजिए 7 ले लीजिए, समझ में आ रहा है? लेकिन ध्यान रखना है सर्ड बनना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये देखिए इरेशनल नंबर है इसलिए ये सर्ड है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? क्योंकि हमने सर्ड की डेफिनेशन सीखा था कि सर्ड दिखता कैसा है, ऐसा फॉर्म में दिखता है ना, देखिए स्टूडेंट ऐसा, ठीक है। nth रूट ऑफ a, यहाँ पे a आपका क्या है, पॉजिटिव नंबर है और वो रेशनल नंबर है। हिंदी में बात करें तो स्टूडेंट यहाँ पे धनात्मक परिमेय संख्या है, और n आपका क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे प्राकृतिक संख्या है, जिसको इंग्लिश में हम नेचुरल नंबर बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने सर्ड का डेफिनेशन में सीखा है स्टूडेंट। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल देने का ट्राई कर रही हूँ, आप और भी एग्जाम्पल अपनी मर्जी से लिख सकते हो। समझ में आया? यस मैम। ओके वेरी गुड स्टूडेंट। तो आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे तो क्या हो गया, जो सर्ड्स हमने लिए थे सेम ऑर्डर के हो गए थे, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये वाले में, यहाँ पे ये जो सर्ड का ऑर्डर 3 है, यहाँ पे भी सर्ड का ऑर्डर 3 है, यहाँ नेक्स्ट वाले में सर्ड का ऑर्डर 5 है, यहाँ पे सर्ड का ऑर्डर 5 है, करने का यहाँ पे ऑर्डर 5 दिया हुआ है। लेकिन अगर स्टूडेंट आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, सर्ड दिए हुए हैं लेकिन उनका ऑर्डर अलग अलग है, ऑर्डर अलग अलग है, तो कैसे कंपेयर करेंगे वो एक बार देख लेते हैं। अगर आपको 2 सिंपल सर्ड दिए हैं जिनका ऑर्डर अलग अलग है, तो स्टूडेंट उनको कंपेयर करने से पहले क्या करना पड़ेगा, सर्ड्स का ऑर्डर सेम बनाना पड़ेगा। सेम बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है, मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट ये जो है इसको हम रीड करते हैं 4th रूट ऑफ 6, ठीक है स्टूडेंट। आपको पता ये है क्या, बेसिकली ये है 6 का पावर 1/4, ठीक है, 6 का पावर 1/4 हिंदी में बोले तो, इंग्लिश में 6 raised to power 1/4, ठीक है। दूसरा जैसे स्टूडेंट मैंने सर्ड ले लिया, ये जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे लिखा है आपने क्यूब रूट ऑफ 5, आपको पता है दोनों का ऑर्डर अलग अलग दिख रहे हैं ना, ये पहले वाले का ऑर्डर 4 था, दूसरे वाले सर्ड का ऑर्डर था 3, ठीक है। और स्टूडेंट आप इसको ऐसा लिख सकते हो 5 का पावर 1/3, ठीक है। अभी मुझे इन दोनों को कंपेयर करना है, डायरेक्टली तो नहीं बता सकते स्टूडेंट की कैसा है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है सर्ड है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, यहाँ पे हमें पहले उनका ऑर्डर सेम बनाना पड़ेगा, ठीक है। ऑर्डर सेम कैसे बनाएंगे स्टूडेंट, देखिए ये जो पहला वाला जो सर्ड मैंने लिया है 4th रूट ऑफ 6, इसका ऑर्डर आपने बोला 4 है, दूसरे वाला जो सर्ड है क्यूब रूट ऑफ 5 हिंदी में जिसकी बात करें तो स्टूडेंट यहाँ पे ये वाला, इसको आप बोलते हैं क्या बोलते हैं, घनमूल 5 का, ये क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे हिंदी में 4 को आई थिंक चौथा बोल रहे हैं ना, यहाँ पे समझ में आ रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे चौथा मूल है 6 का, यहाँ पे आप ऐसा ट्रांसलेट कर सकते हो थोड़ा सा,
प्लीज बताइए इतना समझ में आ रहे हैं? यस हाँ मैम। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे स्टूडेंट सर्ड को अगर सेम ऑर्डर का बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, जो इस सर्ड का जो ऑर्डर है ना स्टूडेंट उसका हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। ठीक है, अभी स्टूडेंट जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते एकदम इजीली समझ जाएंगे, एलसीएम का मतलब सबको पता है स्टूडेंट, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, हिंदी मीडियम के बच्चे कोई मुझे पता पाएगा कि एलसीएम का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? यहाँ पे हिंदी में क्या बोलते हैं, देखो मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, चार और तीन का अगर आपको बात करें ना, टेबल आपको सबको आते हैं स्टूडेंट, पहाड़ा आता है, तो हम बात करें देखो चार की टेबल में क्या क्या आते हैं, एक बार दिखा देते हैं आपके लिए जिसको नहीं समझ में आ रहा है। देखो चार की टेबल में चार आता है, फिर आठ आता है, फिर 12 आता है, ऐसा डॉट 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 में लिख के दिखा रही हूँ। ठीक है, तीन की अगर टेबल पहाड़ा लिखो तो 3, 6, 9, 12। ठीक है, तो अभी स्टूडेंट मैं सबसे छोटा इन दोनों की टेबल में जो कॉमन मल्टीपल की बात करें ना स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए देखिए ये 12 यहाँ पे भी है, ये 12 यहाँ पे, तो हिंदी में कोई बताएगा स्टूडेंट यहाँ पे इसको क्या बोल रहे हैं? आई थिंक इसको लघुतम कुछ ऐसा, लघुतम समावर्तन। हाँ समा, यहाँ पे स्टूडेंट एक बार वापस से रिपीट कीजिए आप यहाँ पे इसको हिंदी में क्या बोल रहे हैं हम? मैम लघुतम समावर्तक। ओके लघुतम समावर्तक, ओके स्टूडेंट थैंक यू। यहाँ पे बाकी हिंदी मीडियम के बच्चे समझ में आए ना आपको, यहाँ पे जब आपके पास सर्ड दिया है अलग अलग ऑर्डर का तो आपको क्या लेना है, लघुतम समापवर्तक यहाँ पे लेना है। इंग्लिश में बात करें तो इन ऑर्डर का आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम चार और तीन का कितना होगा स्टूडेंट, 12 हो जाएगा, इंग्लिश में बात करें तो 12 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आए स्टूडेंट? यस मैम। अभी क्या करना है स्टूडेंट, एलसीएम 12 हो गया तो अभी जो सर्ड हमें मिला था ओरिजिनली उसको सर्ड 12 ऑर्डर, यहाँ पे क्या है 12 ऑर्डर का हम यहाँ पे सर्ड लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखिए, वापस से मैं इरेज कर देती हूँ जो मैंने यहाँ पे लिखा, आपको समझाने के लिए लिखा था स्टूडेंट यहाँ पे। तो देखिए देखिए ये जो नीचे इसको कर देती हूँ, तो आपको पता है ये जो है फोर्थ रूट ऑफ सिक्स, इसको देखिए स्टूडेंट यहाँ पे फोर्थ रूट ऑफ सिक्स को मैंने लिखा 6 का पावर 1/4। कितने बच्चे यहाँ पे एग्री करेंगे कि मैं इसको ऐसा भी लिख सकती हूँ स्टूडेंट, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले लिख के देखा एलसीएम 3 और 4 का आ रहा था 12। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे 1/12 करना है। ठीक है, 12 ऐसा कुछ चाहिए डिनोमिनेटर में मुझे, तो मैं ऐसा कर सकती हूँ क्या स्टूडेंट, 3/12 मतलब मैंने 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया पावर में, घात में। ठीक है, देखिए 3 एकम 3, 3 चौक 12 यहाँ पे। ठीक है, ऐसा हो जाएगा स्टूडेंट। और ये आप इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखिए नहीं दिख रहा आपको, देखिए एक बार स्टूडेंट में यहाँ पे 6 का पावर 3 और उसका पावर 1/12, इंग्लिश मीडियम के बच्चे 6 का पावर 3 होल रेस्ट टू पावर 1/12 लिख सकती हूँ कि नहीं मैं? यस मैम। हाँ, अभी इसको लिखना सर्ड के फॉर्म में लिखना इजी है ना स्टूडेंट, ये हो जाएगा 12√6 का पावर 3। ठीक है, प्लीज बताइए समझ में आया? यस मैम। ओके स्टूडेंट, जिसको नहीं आया उनके लिए एक बार वापस से रिपीट कर देती हूँ स्टूडेंट, अगर आपके पास जो सर्ड मिल रहे हैं उनका ऑर्डर अलग अलग है तो आपको सर्ड्स का ऑर्डर सेम बनाना है। ऑर्डर सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो सर्ड्स दिए हैं आपको उनका ऑर्डर का एलसीएम लेना पड़ेगा। 4 और 3 का एलसीएम दिया तो 12 आया, जिसको इंग्लिश में हम बोल रहे हैं 12 आया स्टूडेंट, अभी ऐसा मुझे लिखना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 12 चाहिए था तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया पावर में, घात में। ठीक है, तो ये बन गया 6 का पावर 3/12 और इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ 6 का पावर 3 टोटल का पावर 1/12। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास, एक बार अच्छे से लिख देती हूँ आपके लिए, ऑलरेडी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है स्टूडेंट, तो ये चीज आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पे देखिए 12√6 का पावर 3। ठीक है, ये मतलब ये सर्ड लिख दिया मैंने जिसका ऑर्डर है 12। समझ में आया स्टूडेंट? सेम वैसे ही यहाँ पे क्योंकि हमें मिला था ये, नेक्स्ट वाला दिखा देती हूँ आपको मैं, ये वाला इरेज करके। ठीक है, नेक्स्ट वाला नंबर क्या था स्टूडेंट, नेक्स्ट वाला नंबर था ये था आपके पास √5। ठीक है, √5 का मतलब यहाँ पे देखिए एक बार लिख के दिखा देती हूँ, √5 आप इसको बोलते हैं 5 का पावर 1/3। ठीक है स्टूडेंट, अभी मैंने बात करी थी एलसीएम आया तो जिसको लघुत्तम समापवर्तक यहाँ पे हिंदी में बोल रहे स्टूडेंट, तो यहाँ पे मुझे 12 चाहिए ना डिनोमिनेटर में, मतलब जो यहाँ पे आपको जो नंबर 5 है उसका घात में मुझे क्या है 1/ ऐसा 12, पहले तो 12 चाहिए ना, तो मैं क्या कर सकती हूँ देखिए, ये ऐसा 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकती हूँ, कितने बच्चे एग्री करेंगे? अच्छा, यहाँ पे एक स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है, रिंकू ने, तो रिंकू क्या नहीं समझ में आ रहा है, क्या कुछ डाउट है बताइए? नो मैम, डाउट नहीं है मैम, थोड़ी देर बाद ना मैम आपका कैमरा पॉज हो रहा है। अच्छा, कैमरा मेरा पॉज है। अच्छा, बाकी स्टूडेंट प्लीज बताइए, आपको मेरी आवाज अच्छे से सुनाई दे रही है? और आई थिंक
ओके okay, रिंकू रिंकू शायद से ना कई बार नेटवर्क इश्यू भी रहता है ना स्टूडेंट यहाँ पे, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि बीच बीच में क्या है आपको आवाज ना सुनाई दे या आपको कैमरा वीडियो ना दिखाई दे, ठीक है? तो एक बार वाले केस में रिफ्रेश कर लीजिए एक बार, ठीक है? यस मैम। ओके स्टूडेंट यहाँ पे सबको समझ में आया ना ये वाली चीज स्टूडेंट? तो ये देखो मैंने क्या लिख के बताया है, क्यूब रूट ऑफ 5 को हम 5 का पावर 1/3 लिखा था, फिर हमने लिखा इसको 5 का पावर 4/12 लिख सकते हैं ना स्टूडेंट, 4/12 लिख यस सकते हैं। मैम। हाँ तो अभी क्या करेंगे स्टूडेंट, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 का पावर 4 टोटल का पावर 1/12। अभी आप इसको सर्ड के फॉर्म में लिख सकते हैं इजिली, तो ये हो गया सर्ड जिसका ऑर्डर है 12 और यहाँ पे लिखेंगे 5 का पावर 4, ठीक है? अभी स्टूडेंट अभी ऊपर ही पढ़ा था, अगर आपके पास सर्ड दिया हुआ है जिसका ऑर्डर सेम है तो उनको कंपेयर करना बहुत ईजी है, ठीक है? हमने क्या किया है, जो सर्ड हमें दिए थे एग्जाम्पल में उनका ऑर्डर सेम बना लिया, ऑर्डर बना लिया है 12, ठीक है? देखिए यहाँ पे तो हमने इसको लिखा है 4th root of 6 को लिख दिया है 12th root of यहाँ पे 6 का पावर 3, ठीक है? वैसे ही cube root of 5 को हमने लिख दिया है 12th root of 5 का पावर 4। अभी इनमें से आपको निकाल सकते हैं ना स्टूडेंट, 6 का पावर 3 का मतलब है यहाँ पे 6 raised to 3, ये आपके पास होता है 216। जिसको डाउट एक बार कैलकुलेट कर लीजिए स्टूडेंट, 216 आएगा, 6 × 6 × 6, ठीक है? 6 को 6 से गुना करना है 3 बार, ठीक है? तो 216 और यहाँ पे 5 का पावर 4 की बात करें स्टूडेंट, 5 raised to 4, ये हो गया आपका 20, 5 × 5 25 होता है, 25 होता है, 25 को 25 से गुना करोगे तो स्टूडेंट कितना आएगा, 625, ठीक है? समझ में आया स्टूडेंट यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रही हूँ? अभी इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है बता सकते हैं, कौन सा छोटा है? एवरीवन यहाँ पे 625 बड़ा है। हाँ, 625 बड़ा है, ठीक है? आपको पता है 216 छोटा है 625 से, 216 लेस देन 625, तो यहाँ पे अगर आप उनका 12th रूट लेंगे स्टूडेंट तो 12th root of 216 लेस देन हो जाएगा 12th root of 625। समझ में आया स्टूडेंट? तो यहाँ पे हमने कंपेयर कर दिया है, तो यही चीज यहाँ पे लिखा है, ठीक है? अगर आपको सर्ड मिल रहे हैं अलग अलग ऑर्डर का तो उनका ऑर्डर सेम बनाना है मैंने, ठीक है? फिर हम कंपेयर कर पाएंगे इजिली यूजिंग दिस रूल, ठीक है? सबको समझ में आया बताइए स्टूडेंट ये वाली चीज? यस मैम। वेरी गुड, एंड टेंशन मत लीजिए, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, अभी के लिए जो मैंने लिखा है ये एक्स्ट्रा वो मैं इरेज कर देती हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर जो सर्ड का ऑर्डर आपको सेम दिया है तो डायरेक्टली कंपेयर कर पाएंगे, अगर सर्ड का ऑर्डर सेम नहीं दिया है तो हमें सेम ऑर्डर बनाना पड़ेगा, ठीक है? फिर हम कंपेयर करेंगे, ठीक है स्टूडेंट? ये हो गया कंपैरिजन ऑफ मोनोमियल सर्ड। अभी बात करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, फिर पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन एंड यहाँ पे डिवीजन। हिंदी में बात करें तो स्टूडेंट यहाँ पे एडिशन को हिंदी में जमा बोल रहे हैं, सब्ट्रैक्शन को आप घटा बोल रहे हैं, अगर सर्ड को हिंदी में करनी बोल रहे हैं, ठीक है? अगर आपको पास करनी के उदाहरण दिए हुए हैं, ठीक है? तो अगर आपको बोले दो करनी को जमा करके दिखाइए या घटा करके दिखाएंगे तो हम कर सकते हैं, इजिली कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन कैसे करना है, लेकिन जो सर्ड आपको मिलेंगे स्टूडेंट वो सिमिलर सर्ड होना चाहिए, याद है कि नहीं? सिमिलर सर्ड का डेफिनेशन बताइए स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में देखा था हमने कि एक ही सर्ड के जो डिफरेंट मल्टीपल होते हैं, जैसे स्टूडेंट देखिए यहाँ पे एग्जांपल में देती हूँ, जैसे मैंने ले लिया एक सर्ड nth रूट ऑफ a, ठीक है? अगर मैं इसको कोई रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ, जैसे एग्जाम्पल चाहिए तो एग्जाम्पल ले लेते स्टूडेंट, देखिए रूट टू मैंने ले लिया, स्क्वेयर रूट ऑफ 2 जिसको हिंदी में वर्गमूल ऑफ 2 बोल रहे हैं, फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 × √2, तो स्टूडेंट ये दोनों सिमिलर हो गए कि नहीं, प्लीज बताइए, हो गया ना? क्योंकि आपने ये रूट टू आपको पता था सर्ड है, ठीक है? रूट टू को 3 से गुना कर दिया तो ये भी आपको पता है सर्ड है, और ये दोनों आपका सिमिलर सर्ड है, ठीक है? प्लीज बताइए, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम लिखेंगे, पक्का ना? अच्छा स्टूडेंट कुछ डाउट है, कुछ बोल रहे हैं आप बताइए? मैम शो नहीं हो रहा है। अच्छा स्क्रीन शो नहीं हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ तो इश्यू आ रहा है, एक सेकंड में वापस से स्क्रीन शेयर करती हूँ, बंद किया है मैंने एक बार, वापस से कर रही हूँ, यहाँ पे गूगल मीट का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है शायद से, ठीक है? एक मिनट, अभी बताइए दिख रहा है आपको मेरा स्क्रीन? यस मैम। स्टूडेंट यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा है, ध्यान दीजिए, अगर आपके पास सर्ड्स दिया है जो सिमिलर सर्ड्स है, ठीक है? क्योंकि मतलब देखो यहाँ पे जैसे रूट टू मैंने एग्जाम्पल लिखा स्टूडेंट, जिसको हिंदी में आप वर्गमूल ऑफ 2 बोल रहे हैं, और यहाँ पे लिख दिया 3 × √2, तो आपको पता है दोनों सिमिलर सर्ड है, क्यों? क्योंकि सर्ड तो वर्गमूल ऑफ 2 ही था, उसको आपने 3 से गुना कर दिया तो भी एक सर्ड मिला है, तो ये भी आपको पता है ये दोनों सिमिलर सर्ड हो गए, ठीक है? तो सिमिलर सर्ड को ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना एकदम इजी है,
कौन से कैसे एड और सब्ट्रैक्ट करेंगे यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक बार देख लीजिए, मैं आपको दिखा देती हूँ वापस से। अगर आपको एड या सब्ट्रैक्ट करना है स्टूडेंट, मतलब जमा या घटा करना है सिमिलर सेट का, तो ये वाला लॉ या ये वाला नियम आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे स्पेशली उन्होंने क्या किया स्टूडेंट, देख लीजिए आपको यहाँ पे जो लिखा हुआ है, जो मैंने सर लिया है उसका ऑर्डर है टू, ऐसा वाला मैंने लिया है, कुछ लिखा नहीं है। तो आपको पता है हिंदी में बोले तो ये वर्गमूल दिया हुआ है, ठीक है, वर्गमूल ऑफ सी दिया है वर्गमूल, ठीक है। अगर इंग्लिश में बात करें तो स्टूडेंट इसको आप क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट, मतलब ये सर्ड है जिसका ऑर्डर है टू। प्लीज बताइए समझ में आ रहा है स्टूडेंट, यस यहाँ पे चाहे तो तीन भी मैम। हो जाने दीजिए, तीन हो इन्हें चार हो, लेकिन अगर आपके पास सिमिलर सर्ड है तो इजिली हम ये वाला प्रॉपर्टी यूज करके उसको क्या है सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए एक बार ए, ओके ए यहाँ पे ध्यान दीजिए मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ए मल्टीप्लाइड विद स्क्वायर रूट ऑफ सी, ठीक है। यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है स्टूडेंट तो, लेकिन आपने ऑलरेडी ये क्या है ये वाला निशान बार बार देखा है, आपने कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे, तो आप इसको कैसा रीड करें इंग्लिश में, स्क्वायर रूट ऑफ सी। हिंदी में बात करें तो स्टूडेंट यहाँ पे वर्गमूल हो गया सी का, ठीक है। सो ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सी प्लस या माइनस बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सी, अगर ऐसा कुछ है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए प्लस और माइनस बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सी, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ सी आपने दोनों ही टर्म से कॉमन ले लिया है, ठीक है। टेंशन मत लीजिए स्टूडेंट, ऑलरेडी हमने बहुत सारे क्वेश्चन किया जहाँ पे टर्म्स में से हम कुछ कॉमन मैम शो नहीं हो रहा है, एक बार ध्यान दीजिए, मैंने कुछ लिखा नहीं, ये जो ये प्रॉपर्टी है ना यही मैं आपको बता रही, देखिए एक सेकेंड यहाँ पे ये जो है ना टिक करके दिखा रही, अभी देखिए यही मैं रीड कर रही, ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सी प्लस और माइनस बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सी हो गया ए, स्क्रीन देखिए स्टूडेंट मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्ड का जो हेडिंग दिख रहा होगा उसके नीचे लिखा है ना यहाँ पे जो टिक मार्क मैंने करके रखा है, जिनको नहीं दिख रहा है प्लीज एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, क्योंकि मैंने मोबाइल से भी ज्वाइन किया स्टूडेंट, मुझे मोबाइल में दिख रहा है। अब बताइए बाकी स्टूडेंट को दिख रहा है क्या, यस मैम, ठीक है स्टूडेंट। देखिए अगर ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, सिमिलर सर्ड्स दिख रहे हो और आप एड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो देखिए यहाँ पे ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सी प्लस और माइनस बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सी किसके बराबर हो जाएगा, ए प्लस और माइनस बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सी, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ सी आपने यहाँ पे कॉमन ले लिया, ठीक है। तो आपको तो पता है ये वाला जो मैंने लिखा है ना ये आपको पता है, ये सर्ड का ही एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ पे सर्ड का ऑर्डर कितना है स्टूडेंट, टू है, ठीक है। आप हिंदी में कैसा रीड करते हैं स्टूडेंट इसको, वर्गमूल सी का ना, ऐसे ही रीड करते हैं ना हिंदी मीडियम के बच्चे, बताइए समझ में आ रहा है स्टूडेंट यहाँ पे, एवरीवन जो भी है यहाँ पे क्लास में बता दीजिए एक बार, यस मैम, वही यहाँ पे कॉमन लिया है, ठीक है, वही चीज यहाँ पे हम करेंगे। एंड ये हो गया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की बात स्टूडेंट, लेकिन ध्यान दीजिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम सिमिलर सर्ड का करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर सर्ड आपको दिया है ऐसा जिसका ऑर्डर है अलग, ठीक है, अगर ऑर्डर अलग अलग दिख रहा है सर्ड का तो ऑर्डर सेम बनाना पड़ेगा अलग से, ठीक है। तो ऑर्डर सेम बना के, मतलब सिमिलर सर्ड बना के ही आप एड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन भी करेंगे स्टूडेंट, एक बार वापस से रूल देख लेते हैं मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन ऑफ सर्ड। तो यहाँ पे देख लीजिए हमने रेडिकल्स के भी रूल सीखा था लास्ट लेक्चर में, टेंशन मत लीजिए, अभी क्वेश्चन नहीं किया है, क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। यस मैम, ओके। यहाँ पे किसी स्टूडेंट का हैंड रेज है, प्रियंका पाठक, प्रियंका कुछ पूछना है। मैम मैंने पूछना है कि नाइन्थ क्लासेस लग रही है, नाइन्थ क्लास की, हाँ ये नाइन्थ का ही क्लास है यहाँ पे प्रियंका, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। आपको डाउट ये कि मैम ये तो हमारा टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, तो मैं आपको बता देती हूँ हम ना थोड़ा हाई लेवल का पढ़ रहे हैं, आपका टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा लिमिटेड दिया हुआ है, ठीक है, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो। हाँ प्रियंका बोलिए। मैम क्लासेस कब से लगी हुई है ये क्लासेस? आपका लास्ट वीक से स्टार्ट हुआ था, 1 जून से, 1 जून से मतलब ऑफिशियली क्लास स्टार्ट, उससे पहले एक आपका ओरिएंटेशन सेशन भी था, ठीक है। हाँ जी मैम, ठीक है, ओके, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर आपको मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन करना है सर्ड्स का, ठीक है, मतलब गुना या भाग करना है, जिसका माइक ऑन है प्लीज बंद कर लीजिए, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट यहाँ पे, सेम ऑर्डर का सर्ड पहले तो आपको बनाना पड़ेगा, अगर दिया हुआ है तो अच्छी बात है। तो ये देखिए nth रूट ऑफ x इंटू nth रूट ऑफ y, देखिए ये जो इसको रीड कैसे करती है स्टूडेंट, ये वाली चीज को बता रही हूँ, nth रूट ऑफ x हो गया मल्टीप्लाई विद nth रूट ऑफ y, मतलब यहाँ पे दो सर्ड है सेम ऑर्डर है तो डायरेक्टली किसके बराबर हो जाएगा, nth रूट ऑफ x y। समझ में आया स्टूडेंट, प्लीज बताइए। yes,
ये हमने रेडिकल की कल जो लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट जो लो सीखे थे ना उसमें भी सीखा हुआ था। एक सेकंड, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा आ रहे हैं उसको इरेज करने का ट्राई कर रही हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट वन सेकंड, जो एक्स्ट्रा लिख गया है ना उसको इरेज करती हूँ। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, एक बात याद रखना है, अगर आपको सर्ट्स को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है या मल्टीप्लाई करना है या आपको डिवाइड करना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो सर्ट सेम ऑर्डर का बनाना पड़ेगा अगर सेम ऑर्डर का नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अगर दिया हुआ है तो इजिली कर पाएंगे। समझ में आया स्टूडेंट? यस मैम। अभी प्लीज यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, सबको ध्यान देना, जो भी पढ़ना था थियरी पार्ट हो गया, अभी हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। तो अगर आप मेरे साथ सोल्व करेंगे अच्छा रहेगा स्टूडेंट। यहाँ पे सब लोग ध्यान दीजिए, अगर कुछ भी डाउट रहा है बीच में प्लीज पूछिए। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ क्वेश्चन करना बाकी है, थियरी हमने पढ़ ली है आज का। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आपको अरेंज करना है। ये आपके पास तीन सर दिए हुए हैं। ठीक है, कौन सा दिया है? पहला दिया है फोर्थ रूट ऑफ सिक्स, दूसरा दिया है क्यूब रूट ऑफ सेवन, तीसरा दिया है स्क्वायर रूट ऑफ फाइव। ठीक है, तो तीन सर के एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं स्टूडेंट यहाँ पे, तो आपको क्या बताना है इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, बीच वाला कौन सा है, बड़ा कौन सा है। तो या तो असेंडिंग ऑर्डर में कीजिए अरेंज, या चाहे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कीजिए। हिंदी में बोले तो स्टूडेंट यहाँ पे डिसेंडिंग को अवरोही क्रम हम बोल रहे हैं, असेंडिंग को क्या बोलेंगे फिर, बढ़ते हुए क्रम में, ऐसे हिंदी में अगर मैं बात करूं। समझ में आ रहा है स्टूडेंट यहाँ पे? बताइए सब लोग। यस मैम। पक्का ना? तीन सर दिए हुए स्टूडेंट, तीन करनी दिए हुए हैं, तो इसमें कौन सा सबसे छोटा है, फिर बीच में कौन सा आता है, फिर बड़ा कौन सा, ये हमें बताना है। तो आप चाहे तो बढ़ते हुए क्रम में बताइए, चाहे तो उतरते हुए क्रम, जिसको डिसेंडिंग को तो मुझे पता है हिंदी में अवरोही क्रम हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए, पहले तो मुझे बताइए, जो तीन सर दिए हुए तीनों का ऑर्डर आप बताएंगे, पहले वाले सर का ऑर्डर कौन बताएगा? यहाँ पे स्टूडेंट कुछ तो यहाँ पे टेक्निकल इश्यू है, ये बार बार खुद से ही आ रहे हैं यहाँ पे। एक सेकेंड, मैं इसको इरेज करती हूँ। अच्छा स्टूडेंट, कौन बताएगा फोर्थ रूट ऑफ सिक्स, ये जो सर्ड है इसका ऑर्डर कितना है स्टूडेंट यहाँ पे? मैम फोर। वेरी गुड, फोर। और दूसरे वाला जो सर्ड है क्यूब रूट ऑफ सेवन, उसका ऑर्डर कितना है? तीन। सब लोग एग्री करेंगे? यस मैम। और लास्ट वाले का ऑर्डर कितना है स्टूडेंट यहाँ पे? टू। हाँ, तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको पता चल रहा है जो सर दिए हैं, जो करनी दिए हैं, उनके ऑर्डर अलग अलग है। अगर कंपेयर करना है तो ऑर्डर बनाना पड़ेगा सेम। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक सेकंड, यहाँ पे स्टूडेंट कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है, एक सेकंड, सॉरी। यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे बार बार ये लाइन ऑटोमेटिक खुद से ही आ रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ तो इश्यू है। ओके मैम, स्क्रीन नहीं दिख रही। नहीं दिख रही आपको? अभी तक मैंने कुछ लिखा नहीं है स्टूडेंट यहाँ पे। एक सेकेंड, यहाँ पे अभी बताइए, क्वेश्चन दिख रहा है आपको? पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे, यस मैम। वेरी गुड स्टूडेंट, यहाँ पे आपको अगर ये दिख रहा है तो वेरी गुड। यहाँ पे तो हमें इनको अरेंज करना है, तो स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है, अभी देखिए मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख के बता रही हूँ आपको समझाने के लिए, एक सेकेंड। ओके देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, एक सेकेंड स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ तो टेक्निकल इश्यू है। देखो बार बार ये खुद से ही ऑटोमेटिक आ रहे हैं। ओके एक बार मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रही हूँ, यहाँ पे एक बार मैं चेक कर लेती हूँ क्या प्रॉब्लम आ रहा है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। एक सेकेंड, ओके अभी मैं वापस से स्क्रीन शेयर करती हूँ, ताकि अभी अच्छे से होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि अभी सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करना बाकी है हमारा। बताइए स्टूडेंट दिख रहा है आपको मेरा स्क्रीन? यस मैम। वेरी गुड, अभी स्टूडेंट जो हमें तीन सर दिए हुए हैं उनको अरेंज करना है, चाहे तो बढ़ते हुए क्रम में कीजिए, चाहे उतरते हुए क्रम, हिंदी में बात करें, इंग्लिश में बोले तो अगर बढ़ते हुए क्रम की बात करें तो मतलब सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसा असेंडिंग ऑर्डर जिसको हम बोलते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है पहले सबसे बड़ा आपने लिखा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट कर लेते हैं ये। तो यहाँ पे मैं आपको, यहाँ क्या हो रहा है यहाँ पे, एक सेकेंड, बार बार खुद से कुछ तो इश्यू आ रहा है यहाँ पे। अभी मैं ट्राई करती हूँ, स्टूडेंट कौन मुझे बताएगा, चार तीन और दो का एलसीएम निकालिए, हिंदी में बोले तो लघुत्तम समापवर्तक यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे, एक सेकेंड, कुछ तो इश्यू आ रहा है, ये लाइन जो है ना खुद से ड्रॉ हो रही है, मैं नहीं कर रही है, पता नहीं यहाँ पे क्या आ रहा है। मैम 12। हाँ वेरी गुड, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ स्टूडेंट आंसर, मैं शॉर्ट में लिखती हूँ, LCM। ठीक है, LCM ओ किसकी बात कर रहे हैं, जो सर दिए हैं उनके ऑर्डर के LCM की बात कर रहे हैं, चार तीन एंड दो का LCM। स्टूडेंट सब लोग एग्री करेंगे 12 आ रहा है? यस मैम। वेरी गुड, ठीक
ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो हमें सर दिए वो अलग अलग ऑर्डर के दिए, देखो मैं आपको सेपरेटली लिख के दिखा देती हूँ। पहले वाला जो दिया है इसको रीड करेंगे फोर्थ रूट ऑफ सिक्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 6 का पावर हो गया 1/4, मतलब 1/4, ठीक है। 6 रेज टू पावर 1/4, लेकिन हमें कितना चाहिए स्टूडेंट, 12 बनाना है ना यहाँ पे पावर में, ठीक है। तो 12 बनाना तो क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, पावर में घात में क्या करेंगे, 3 से गुना और भाग कर सकते हैं ना, ठीक है एवरीवन। तो स्टूडेंट ऐसा लिख सकते हैं, एवरीवन चेक कर लीजिए, 3/ यहाँ पे 12 पावर में, ठीक है। कितने बच्चे एग्री करेंगे इससे, ठीक है, वेरी गुड स्टूडेंट। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 का पावर 3, टोटल का पावर हो गया 1/12, ठीक है, पक्का ना स्टूडेंट्स। yes, और इसको कैसा लिखेंगे, ये हो गया हमारे पास, ये हो गया सर जिसका ऑर्डर हमने बना दिया है 12, और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 6 का पावर 3। 6 का पावर 3 स्टूडेंट कितना होता है, आप चाहे तो लिख लीजिए, ये होता है 216, 216, 6 × 6 × 6, ठीक है, क्योंकि हम पहले जो सर दिया है उनको सेम ऑर्डर का बनाएंगे। अच्छा यहाँ पे एक स्टूडेंट ने हैंड रेज भी किया है, रितिका कुछ पूछना चाह रहे हैं। यस मैम, मैम ये जो 6 रेज टू पावर 3/12 है मैम, इसमें 3 मतलब 3 कैसे आया मतलब। अच्छा यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट ये जो 1/4 था ना, क्योंकि मुझे जो सर दिया था जैसे फोर्थ रूट ऑफ 6, इसका आपको पता है सर का ऑर्डर है 4 अभी, ठीक है, लेकिन हमें 3 सर को कंपेयर करना है, जो करनी दी हुई है ना उनको कंपेयर करना है, तुलना करनी है, तो हमें क्या करना है, उनको सर सेम ऑर्डर का बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पहले वाले सर का ऑर्डर 4 है, दूसरे वाले सर का ऑर्डर 3 है, और लास्ट वाले सर का ऑर्डर 2 हो गया है, ठीक है। तो अभी मुझे एलसीएम लिया मैंने, जितने भी जो सर थे उनका ऑर्डर का एलसीएम लिया तो 12 आया, ठीक है, अभी मुझे 12 चाहिए ना यहाँ पे स्टूडेंट, तो मैंने क्या किया, जो 1/4 था उसको मैं 3/12 लिख सकती हूँ ना स्टूडेंट, 3 से कैंसिल होके तो 1/4 ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि मुझे सेम ऑर्डर का बनाना था, मतलब ऑर्डर 12 का बनाना था यहाँ पे, इसके लिए मैंने यहाँ पे 3/12 लिखा, ठीक है, मतलब पावर में, मतलब घात में स्टूडेंट मैंने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया पावर में, ठीक है। यस मैम, ठीक है, ओके स्टूडेंट। यहाँ पे तो यहाँ पे स्टूडेंट नेक्स्ट वाला ले लेते हैं, दूसरा यहाँ पे जो दूसरा वाला सर्ड है कुछ ऐसा है, ठीक है, ये आपके पास है 3/7, ठीक है, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, 7 का पावर 1/3, ठीक है। अभी स्टूडेंट यहाँ पे भी मुझे क्या है, सर्ड बनाना है जिसका ऑर्डर होना चाहिए 12, क्योंकि कंपेयर करना है, बिना ऑर्डर सेम की हम कंपेयर नहीं कर सकते, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, एग्री करेंगे कि नहीं, 4/12 लिख सकते हो क्या पावर में, ठीक है स्टूडेंट। ये कुछ तो यहाँ पे इश्यू आ रहा है, बार बार खुद से ये लाइन ड्रॉ हो रही है, मैं एक बार ट्राई करती हूँ कि ऐसा ना हो, ठीक है। कितने बच्चों को समझ में आया क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे हम सेम ऑर्डर का सर्ड बनाने का ट्राई कर रहे हैं ताकि इजिली कंपेयर कर पाए, ठीक है। किसी को डाउट है, रितिका, रितिका कुछ पूछना चाह रहे तो प्लीज पूछ लीजिए। यस मैम, जैसे आपने कहा ना कि सारे सर्ड्स को इक्वल बनाना है, उनके ऑर्डर, हाँ ऑर्डर सेम बनाना, ऑर्डर सेम बनाना, सर्ड्स को इक्वल बनाना, उनके ऑर्डर को सेम बनाना। यस मैम, तो मैम इसमें ये जो 7 रेज टू पावर 4/12 कैसे है यहाँ पे, फिर 3 नहीं आना था कहाँ पे, यहाँ पे 7 का पावर 1/3 था, ठीक है। तो अभी क्योंकि यहाँ पे मुझे, क्योंकि इसको अगर ऐसा फॉर्म में लिखना है, सर्ड का फॉर्म में चाहिए, तो क्योंकि मुझे उसका ऑर्डर पहले 12 बनाना है, 12 बनाने के लिए 12 दिखना तो चाहिए ना स्टूडेंट, आपको 1/12 ऐसा दिखना चाहिए ना, समझ में आ रहा है। तो अभी मैंने क्या किया, जो 1/3 था स्टूडेंट आपको चाहिए, तो मैं ऐसे करके दिखा देती हूँ, ये ऐसा लिखा, ठीक है, ये वाला स्टेप मैंने नहीं लिखा, मुझे लगा आपको समझ में आ जाएगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा 4/12, ठीक है, क्योंकि 4 4 कैंसिल होके स्टूडेंट 1/3 ही मिलेगा ना आपको, 1/3। यस मैम, तो वही मैं यहाँ पे करने का ट्राई कर रही हूँ, अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो आप प्लीज मुझे बता दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए ये हो गया, तो यहाँ से आप इसको कैसा लिखेंगे, इंडाइसिस के प्रॉपर्टी सबको पता है स्टूडेंट, यहाँ पे ये हो गया 7 का पावर 4, और उसका टोटल का पावर मैं इसको 1/12 लिख सकती हूँ, क्योंकि पावर पावर आपको पता है मल्टीप्लाई होते बेस रहता है सेम, ठीक है। अभी बताइए स्टूडेंट कितने लोग एग्री करेंगे, इसको हम लिख सकेंगे सर जिसका ऑर्डर हो गया 12 और यहाँ पे 7 का पावर 4, ठीक है। यस मैम, पक्का ना, तो दो सर को सेम बना दिया ऑर्डर, उनका सेम बना दे, दो सर का ऑर्डर सेम बना दे, तीसरा वाला भी बाकी है जो है √5, हिंदी में बोले तो स्टूडेंट ये वर्गमूल है 5 का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वर्गमूल 5 का दिया हुआ है, इसका मतलब है 5 का पावर 1/2, ठीक है। तो मुझे पावर में 1/, मतलब यहाँ पे नीचे जो डिनोमिनेटर है स्टूडेंट यहाँ पे पावर का,
उसमें मुझे 12 चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, कितने बच्चे एग्री करेंगे? मैं ऐसा लिख सकती हूँ क्या, 5 का पावर 6/12 लिख सकती हूँ ना स्टूडेंट? यस मैम। वेरी गुड। तो स्टूडेंट ये बताइए, तो ये हो गया हमारे पास 5 का पावर 6, टोटल का पावर 1/12। इंडाइसिस के रूल सीखे हुए हैं, हिंदी में बोले तो हमने स्टूडेंट घातांक के नियम सीखे हैं, उसी से हमने ऐसा लिखा, ठीक है। और ये क्या हो गया एवरीवन, देख लीजिए, ये सड़ हो गया, करनी हो गया, जिसका ऑर्डर हो गया 12, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 5 का पावर 6। आस्था आपको कुछ पूछना है बताइए आस्था। मैम जो आपने 5 raised to power 2/12 लिखा है ना, यहाँ पे 2/12 नहीं आ सकता? 2/12, अच्छा 2/12 आप बोल रहे हैं, ऐसा लिखिए। तो 2/12 को थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं, तो क्या मिलता है आपको, 1/6 मिलता है ना, 1/6 दिया है क्या ऊपर, 1/2 दिया हुआ है ना, समझ में आ रहा है? मतलब आपको ऐसा लिखना है ताकि उसको जब आप थोड़ा सा आप सिंपलीफाई करें ना, तो जो आपको ओरिजिनली दिया है पावर में वही मिलना चाहिए, ठीक है। तो 1/2 दिया था देखिए स्टूडेंट, क्योंकि मुझे इधर 12 चाहिए था, तो मैंने क्या किया 6 से गुना और भाग कर दिया, तो 6/12 ऐसा आया, ठीक है, समझ में आया? यस मैम। वेरी गुड। ठीक है स्टूडेंट, अभी हमारे पास सर्ड हो गए, सेम ऑर्डर के बन गए हैं, तो अभी हमने जो पहला कंपैरिजन का सीखा था, तो पहले देखिए यहाँ पे 6 का पावर 3 जो होता है 216, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख के दिखा देती हूँ नेक्स्ट वाले में, देखिए 6 का पावर 3 216 होता है, लेस देन किससे है, देखिए यहाँ ये लेस देन है, आपको पता है 7 का पावर 4 अगर निकालेंगे स्टूडेंट, तो निकालिए ये हो गया 2401। जो बच्चे यहाँ पे है, आपको पता है स्टूडेंट 7 का पावर 2 करते तो 49 आते हैं, 49। अगर आप 49 को 49 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मिलेगा 2401। चेक कर लीजिए, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, ठीक है। तो ये 6 का पावर 3 किससे छोटा हो गया, 7 का पावर 4 से, ठीक है, क्योंकि ये जो अंदर लिखा है ना स्टूडेंट, ये जो आपको रेडिकल का जो साइन है उसके अंदर जो लिखा है ना, उसकी बात करें, देखिए यहाँ पे 6 का पावर 3 था, यहाँ पे 7 का पावर 4 था, और अभी जो लास्ट में हमने निकाला है ये सड़ है ऑर्डर 12 का, ठीक है। तो ये लिखा है अपने 12√5/6। कितने बच्चे मुझे 5 का पावर 6 बता सकते हैं? मैम 625। अच्छा देखो, 5 का पावर 4 करेंगे तो स्टूडेंट कितना, 625 आता है, ये अभी एक स्टूडेंट ने मुझे बताया, 5 का पावर 4 करते हैं, 5 raised to 4 आता है 625। अभी उसको 25 से गुना करेंगे तो डेफिनेटली वो 2401 से बड़ा आएगा, निकाल सकते हैं ना स्टूडेंट, पूरा वैल्यू निकालना है तो निकालिए, नहीं तो मैं डायरेक्टली लिख दूं क्या, किसी को डाउट है ऐसा, लिख सकती हूँ ना मैं, प्लीज बताइए। इंग्लिश मीडियम के बच्चे आप चाहे तो पूरा वैल्यू निकाल के देख लीजिए, संख्या निकाल के देख लीजिए, लेकिन मुझे पता है वो 2401 से बड़ी आएगी, इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया है 6 का पावर 3 छोटा है किससे, 7 का पावर 4 से छोटा है 5 का पावर 6 से। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ पे उनका सर ले रही हूँ, देखिए ऑर्डर 12 का, तो मैं यहाँ पे कैसे लिखूंगी स्टूडेंट, सर जो यहाँ पे 12√6/3 छोटा हो जाएगा 12√7/4, लेस देन हो जाएगा यहाँ पे 12√5/6। समझ में आया स्टूडेंट, यही चीज हमें करना था। ये जो मैंने लिखा स्टूडेंट, ये कौन सा ऑर्डर है, कौन बताएगा, बढ़ता हुआ क्रम है ना स्टूडेंट, पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, तो ये वाले को आप बोलेंगे असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ क्रम हिंदी में, स्टूडेंट मुझे नहीं पता उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, अगर आप चाहे तो इसको क्या उतरते हुए क्रम, जिसको आप अवरोही बोल रहे हैं हिंदी में, इंग्लिश में डिसेंडिंग ऑर्डर है, वैसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। यस मैम, समझ में आया ना स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। हाँ तो ये जो है आपको पता ही ऐसा हो गया, तो आप ये चीज आप लिख सकते हैं कि 6 का पावर 3 और यहाँ पे उसका कौन सा 12√, किससे छोटा है 12√7/4 से छोटा है 12√5/6। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, अगर सर्स आपको 3 दिए हैं या 4 दिए हैं 5 दिए हैं, अगर उनका ऑर्डर सेम है तो बहुत जल्दी हो जाएगा, अगर उनका ऑर्डर डिफरेंट है तो उनका ऑर्डर पहले सेम बनाना चाहिए, फिर सेम बनाने के बाद हम क्या है उनको कंपेयर कर पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। सबको समझ में आया, प्लीज बता दीजिए। yes, पक्का ना, ओके वेरी गुड स्टूडेंट, ये हो कि हमने एक कर लिया क्या है कंपैरिजन मोनोमियल का। अभी स्टूडेंट नेक्स्ट वाले है सिंपलीफाई, ऐड या सब्ट्रैक्ट वाले बात है, बताइए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्टूडेंट, यहाँ पे देखो 2 into √5 मतलब 2 into √5 प्लस 5 into √5, तो आपको पता है जो सर्ड है वो सेम ऑर्डर का डायरेक्टली दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं डायरेक्टली आंसर लिख देती हूँ यहाँ पे इसके नीचे, देख लीजिए स्टूडेंट, इसका आएगा ब्रैकेट में 2+5 मैम और बाहर आएगा √5। वेरी गुड, एक्सीलेंट, जिस स्टूडेंट ने बताया स्टूडेंट यहाँ पे, मतलब यहाँ पे
आप स्क्वायर रूट ऑफ 5 कॉमन ले रहे हैं ना, वही यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम बोल रहे हैं, ठीक है। आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया स्टूडेंट, जिसको हिंदी में बोल रहे हैं वर्गमूल 5 का आपने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, ठीक है। दोनों ही टर्म में आपको वही दिख रहा था, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा स्टूडेंट, 2 + 5, मतलब 2 + 5 मिलेगा। हिंदी में बोल रहे हैं ऐसा, इंग्लिश में बोलेंगे 2 + 5 × √5। किसी को डाउट है इसमें स्टूडेंट, कर सकते हैं ऐसा एवरीवन? yes, अभी इसको पता है 2 + 5 करते तो ये 7 आता है, तो ये हो गया 7 × √5। ये हमारा हो गया आंसर स्टूडेंट, समझ में आया ना? yes, मतलब क्या किया हमने स्टूडेंट, 2 शब्द को ऐड कर दिया। हिंदी में बोले तो स्टूडेंट 2 करने को हमने जमा कर दिया। एक पहला था 2 × मतलब 2 × आपको वर्गमूल 5 का था, ये एक शब्द था। दूसरा वाला था 5 × वर्गमूल ऑफ 5, ठीक है। तो हमने उन दोनों को ऐड कर दिया ऐसा। इसको आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं हिंदी में, तो शायद इसको स्टूडेंट वितरण नियम भी बोल सकते, क्योंकि एग्जैक्टली मुझे पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट यहाँ पे? जो शब्द है सेम ऑर्डर का रहता है, तो उनको ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या रहता है डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर ऑर्डर डिफरेंट है तो शब्द का ऑर्डर सेम बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें तो डायरेक्टली सेम था ऑर्डर शब्द का, तो इसलिए हमने फटाफट कर दिया इनको ऐड। नेक्स्ट वाला देखिए, ठीक है। अभी देखिए स्टूडेंट यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया, 3 × यहाँ पे √6 दिया है + √216, ठीक है। हिंदी में बात करें तो 3 × वर्गमूल 6 का दिया है + √216, को इसको आपको ऐड करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो बहुत सारे तरीके से देखिए, आपको लिख रहा है 3 × √6, ठीक है। एक बार देख लीजिए, जिसको नहीं समझ में आएगा तो प्लीज पूछिए। अभी स्टूडेंट अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने 216 आपको वर्ड यूज किया था, कितने बच्चों को याद है कि 216 कुछ नहीं, 6 का पावर 3 है, 6 का घात, मतलब 6 का घात अगर 3 करते तो 216 आता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मैं लिख दूँ क्या स्टूडेंट, ऐसा लिख दूँ ना, 6 का पावर 3, ठीक है। एक सेकंड स्टूडेंट यहाँ पे, ओके एक बार मैं स्क्रीन शेयरिंग में कुछ तो दिक्कत आ रही है, एक बार बंद किया स्क्रीन शेयरिंग एंड वापस से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आपके सामने। ओके अभी बताइए आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है, एक बार बताइए सब लोग दिख रहे हैं ना स्टूडेंट अभी? यस मैम। वेरी गुड स्टूडेंट, देखिए मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ क्या, 3 × वर्गमूल 6 का प्लस, ओके यहाँ पे फिर भी क्या है, जो क्या है वर्गमूल 216 का है, इंग्लिश में बात करें तो 216 स्टूडेंट, ये 6 का पावर 3 होता है, ठीक है। इतनी बार समझ में आई सबको? यस मैम। अभी कितने बच्चे एग्री करेंगे, मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ स्टूडेंट 3 × √6, मतलब 3 × √6। अभी स्टूडेंट ये जो है, ठीक है, √6 का पावर 3, 6 का पावर 3 को कुछ ऐसा लिख सकती हूँ क्या मैं, 6 का पावर 2 × 6, इंडेक्सेस के रूल से स्टूडेंट कर सकते हैं ना एवरीवन? घातांक के लिए, वेरी गुड। यहाँ पे किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए। अभी स्टूडेंट मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य यही है कि हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, थोड़ा सा छोटा करना है। तो हमें पहले क्या है, क्योंकि यहाँ पे देखिए पहले वाले टर्म में दिख रहा है यहाँ पे √6, मतलब वर्गमूल 6 का, तो ऐसा ही मैं लिखने का ट्राई कर रही हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सोल्व करते हैं, ये हो गया 3 × √6। अभी कितने बच्चे एग्री करेंगे कि √, देखो इसको आप क्या कैसा लिखेंगे, कुछ बच्चे ऐसा लिखेंगे √6 का पावर 2 × √6, एग्री करेंगे कि नहीं? हमने सीखा है इंडाइसिस के रूल स्टूडेंट्स। मैम शो नहीं हो रहा, मैम शो नहीं हो रहा, ओके स्टूडेंट यहाँ पे टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लगता है लेट शो हो रहा है। तो कितने बच्चे मुझे बताएंगे जो 6 का पावर 2 है गुणा 6 है, ठीक है, तो √6 का पावर 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 6 हो जाएगा ना, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब ये जो साइन है ना स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ऐसा, इसका मतलब ये है कि 6 का पावर 2 का टोटल का पावर 1/2 है, तो मतलब 6 मिलेगा ना, एग्री करेंगे कि नहीं? यस मैम। 3 × √6 ये प्लस हो गया 6, और यहाँ पे आपको 6 × √6 ऐसा मिल गया, ठीक है। आई होप इतनी बार समझ में आई होगी सबको। यस मैम। अभी स्टूडेंट अभी सिंप्लीफाई करना इजी है ना स्टूडेंट, यहाँ पे √6 मतलब √6 जो 6 दिया है हिंदी में, जिसको वर्गमूल 6 का बोल रहे, ये दोनों टर्म से आप कॉमन ले रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 + 6, और यहाँ पे मिल जाएगा
मल्टीप्लाइड बाय रूट सिक्स। किसी को डाउट है तो बता दीजिए स्टूडेंट, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये हो गया नाइन इंटू मैम। हाँ बोलिए, कोई बोल रहा है यहाँ पे स्टूडेंट, प्लीज बताइए। हमारा आंसर ये आ रहा है क्या, नाइन इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सिक्स, सबका यही आंसर आ रहा है, बताइए। यस मैम। पक्का? वेरी गुड। ठीक है वेरी गुड। ठीक है तो ये हो गया हमारे पास ये नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर। अभी और भी क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ ऐसा ही करना है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे जो सर दिख रहे हैं, देखिए सर के जो अंदर है, देखो ये जो सर, आपको पता है ये सर का ऑर्डर तो टू ही है, लेकिन ये कैसे रीड करेंगे, देखो इसको आप बोलेंगे स्क्वायर रूट ऑफ थ्री, हिंदी में बोलेंगे वर्गमूल तीन का। ठीक है तो फिर उसके बाद नेक्स्ट में देखिए कुछ ऐसा है आपके पास, वर्गमूल बारह का है। ठीक है, अगर मुझे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है तो स्टूडेंट यहाँ पे मुझे जो स्क्वायर रूट ऑफ ट्वेल्व है ना, उसको स्क्वायर रूट ऑफ थ्री के टर्म में लिखना पड़ेगा। तो जो हमने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में किया वैसा ही अभी करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा सा आप वेट कीजिए, क्योंकि हमारा थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ था, थोड़ा प्रॉब्लम की वजह से इसको हम कंप्लीट करना है। ठीक है देखिए सब लोग, यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकती हूँ क्या, दो गुना यहाँ पे वर्गमूल तीन का, टू इंटू रूट थ्री, टू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ थ्री भी बोल सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है माइनस है फाइव इंटू, कौन मुझे बताएगा स्टूडेंट, बारह जो है स्क्वायर रूट ऑफ ट्वेल्व, तो मैं उसको चार गुना तीन भी लिख सकती हूँ कि नहीं एवरीवन? यस मैम। और चार मतलब दो का पावर दो। ठीक है मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, जिसको नहीं समझ में आएगा तो प्लीज पूछ लीजिए। ठीक है फिर यहाँ पे प्लस थ्री इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 48। ठीक है 48 को बताओ कोई, तो मुझे कैसा लिख सकते 48 को स्टूडेंट? देखो 48 को बहुत सारे तरीके से लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे 48 को कुछ बच्चे बोलेंगे मैम 12 इंटू 4 लिख लीजिए, कुछ बच्चे मुझे बोलेंगे मैम यहाँ पे 3 इंटू कैसे लिखेंगे बताइए 16 लिख लीजिए, ऐसा भी बताओगे ना, आपकी मर्जी, आप जैसा भी मुझे बताओगे मैं वही लिखने वाली हूँ। ठीक है प्लीज बताइए स्टूडेंट, तो ऐसा लिख दो क्या, 3 गुना 16 एवरीवन? यस ओके। ठीक है क्योंकि हमें बाद में इसको 16 ही करना है। ठीक है तो ये हो गया 3 इंटू, देखो इसको आपने 16 लिखा, 16 को आप चाहे तो 4 का पावर 2 लिख सकते हैं, गुना मैं यहाँ पे 3 लिख दिया। ठीक है तो यहाँ पे स्टूडेंट इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिला, लिखा 2 इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ 3 माइनस, ठीक है तो ये मिल जाएगा 5। ठीक है स्टूडेंट यहाँ पे डायरेक्टली लिख दो क्या, क्योंकि आपको स्क्वेयर रूट के अंदर 2 का पावर 2 इंटू 3 दिख रहा है, तो 2 का पावर 2 है, अगर वो स्क्वेयर रूट से बाहर आएगा तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा ना वहां पे, कितने बच्चे एग्री करेंगे? मैं यहाँ पे डायरेक्टली 2 लिख दूं और यहाँ पे मुझे स्टूडेंट यहाँ पे कुछ तो इश्यू है यहाँ पे, एक सेकंड में स्क्रीन शेयरिंग वापस से बंद करके स्टार्ट करती हूँ, प्लीज थोड़ा सा वेट कीजिए, एक सेकंड में वापस से शेयर कर रही हूँ आपके सामने। स्टूडेंट देखिए अभी स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम। अच्छा बच्चे यहाँ पे कितने एग्री करेंगे, जो दूसरा वाला टर्म था 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 का पावर 2 इंटू 3, तो मैंने क्या किया 2 का पावर जो 2 था उसको स्क्वायर रूट से बाहर लिया, तो स्टूडेंट 2 आ जाएगा ना, आपको भी पता है कैसे आएगा, जो भी हमने इंडाइसिस के रूल सीखे उसी से आ रहा है। ठीक है लिख सकती है कि नहीं, देखो 2 का पावर 2 गुना 3 था और ये स्क्वायर रूट के अंदर था। ठीक है तो आप इसको ऐसा लिखेंगे। ठीक है और आपको पता है ये कितना हो गया 2 और ये आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। ठीक है एग्री करेंगे कि नहीं प्लीज बता दीजिए। वैसे ही नेक्स्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा देख लीजिए, आपके पास हो जाएगा प्लस 3 और यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट के अंदर 4 का स्क्वायर है इंटू 3 है, तो स्टूडेंट आपको पता है स्क्वायर रूट के अंदर 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर है, तो ये आपका स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 4। ठीक है और यहाँ पे आपको मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है किसी को डाउट है तो बता दीजिए स्टूडेंट, मैं आपको लिख के भी दिखा देती हूँ, ये मिलेगा आपको जो लास्ट वाले टर्म में देखिए 3 गुणा में करके ये है, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 और ये आपको पता है 4 है और ये आपका स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है वर्गमूल 3 का, समझ में आया कि नहीं बता दीजिए स्टूडेंट्स अभी बताइए। वेरी गुड। ठीक है इसको सोल्व करते हैं तो ये मिलेगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, यहाँ पे मिलेगा माइनस 10 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 12 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है अभी बताइए स्टूडेंट, आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 तीनों ही टर्म में दिख रहा है, कॉमन ले सकते हैं हम, तो यहाँ पे मिलेगा 2 यहाँ पे माइनस का 10 प्लस 12 और यहाँ पे आप लिखेंगे टोटल ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। समझ में आ रहा है स्टूडेंट बताइए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, मतलब यहाँ पे तीनों टर्म में आपको स्क्वायर रूट का 3 दिख रहा था वर्गमूल 3 का। ठीक है अभी बताइए सोल्व करके, देखिए
टू माइनस टेन, ये हो गया माइनस का एट, माइनस का एट में अगर आप ट्वेल्व ऐड करेंगे स्टूडेंट कितना आएगा, चार आ रहे हैं, वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पे मैं फोर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ थ्री, ये हमारा आंसर है, सब लोग एग्री करेंगे, चार किससे गुना हो रहा है, वर्गमूल तीन। ठीक है, यस मैम, वेरी गुड, वेरी हैप्पी। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट। अभी अभी जो क्वेश्चन स्टूडेंट ये हम थोड़ा सा कर सकते हैं क्या प्लीज बताइए, क्योंकि टाइम तो हमारा सवा आठ बजे तक का था, लेकिन थोड़ा सा हमें पांच मिनट हमने थोड़ा लेट स्टार्ट किया था, एक बार फटाफट कर लेते। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करना है, आपको पता है जो सर दिया है वो सेम ऑर्डर का दिया है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 15 मल्टीप्लाई करना है स्क्वायर रूट ऑफ 35 से। ठीक है, तो स्टूडेंट इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, हमने अभी रूल भी देखे थे, सेम ऑर्डर का है यहाँ पे सर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 15 इंटू 35। ठीक है, लिख सकते हैं ना स्टूडेंट? यस मैम। सोल्व कीजिए, ये क्या हो जाएगा, मैं लिख के दिखा देती हूँ, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 15 को हम 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। ठीक है, और जो 35 है स्टूडेंट, 35 उसको आप कैसा लिख सकते हैं, 5 इंटू 7। यस मैम। तो ये हो गया स्टूडेंट, एक बार लिख के दिखा देती हूँ, ये हो गया हमारे पास 5 का स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर, और यहाँ पे 3 गुणा 7। ठीक है, तो ये हो गया, देख लीजिए, ये आपके पास हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर इंटू 3 साथे हो गया 21, 3 इंटू 7 21। स्टूडेंट आपको पता है 5 का पावर जो 2 है स्क्वायर रूट के अंदर है, तो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो यहाँ पे मिलेगा आपको 5, और यहाँ पे अंदर मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 21। जिसको नहीं समझ में आए उनके लिए देखिए, 5 का पावर 2 गुणा में 21 था, टोटल का पावर यहाँ पे 1/2 क्योंकि स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो आपको पता है पहला टर्म हो गया 5, दूसरे वाला टर्म हो गया 21 का पावर 1/2 मतलब 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 21। ठीक है स्टूडेंट, मैंने डायरेक्टली लिखा है, लेकिन समझ में आया कि नहीं बताइए। ठीक है, कर सकते हैं ना स्टूडेंट, यहाँ पे अगर आपको सर दिया हुआ है सेम ऑर्डर का तो उनको मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है, ऐड करना भी और सब्ट्रैक्ट करना भी। ठीक है, पक्का सबको समझ में आया, जो भी स्टूडेंट क्लास में है, वेरी गुड, वेरी गुड। प्लीज कुछ डाउट रहेगा तो आप चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं चैट भी देख रही हूँ आपका यहाँ पे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे डिवाइड करना है, आप ये देख के बता सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट देखिए, सर्ड का ऑर्डर तो सेम ही है क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 3 आपको दिख रहा है ऊपर, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 27, तो सर्ड का ऑर्डर सेम है, तो कैसे कर सकते हैं देखिए इसको, एवरीवन 2 गुणा स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड किससे करना है आपको, 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 27 से। तो स्टूडेंट देखिए ऐसा लिख सकती हूँ क्या मैं, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 27। इसको सोल्व करने के दो अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, मैं दोनों आपको बता देती हूँ स्टूडेंट। यहाँ पे एक तरीका ये है, जो आपको डिनोमिनेटर में स्टूडेंट दिख रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 27, वर्गमूल दिख रहा है 27 का, आप उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है, सबको समझ में आया स्टूडेंट मैं क्या बोल रही हूँ? दो तरीके। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग स्टूडेंट। ठीक है, तो हम इसको मैं दो तरीके से बता रही हूँ। एक तरीका आप ऐसा लिख सकते, देखिए कुछ बच्चे जो भी आपको मेथड इजी लगे उससे कीजिए। ठीक है, यहाँ पे 3 है और रूट 27 को मुझे लगता है सारे बच्चे एग्री करेंगे, ये 3 का पावर 3 होता है। देखो देखो, रूट के अंदर जो 27 है, 27 को हम 3 का पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं? यस मैम। ओके, थोड़ी कंफ्यूज मत होइए, डायरेक्टली रूट 27 का वैल्यू नहीं बता रही हूँ मैं, 27 को हम ऐसा लिखेंगे 3 का पावर 3, और 3 का पावर 3 को मैं 3 का स्क्वायर इंटू 3 भी लिख सकती हूँ। ठीक है, लिख सकती हूँ कि नहीं स्टूडेंट? यस मैम। हाँ, ये ओके, तो ये हो गया 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 3 इंटू, देखिए यहाँ पे स्टूडेंट, तो ये आप देखो इसको ऐसा लिखेंगे 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, ये इंडाइसिस के लॉ से हम लिखेंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखिए 3। अभी स्टूडेंट स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, एग्री करेंगे? ठीक है, और ये रूट 3। अभी देखिए स्टूडेंट कुछ कैंसिल हो रहा है तो मुझे बताइए, ये वाला कैंसिल कर दूं मैं? यस मैम। आंसर कितना आएगा स्टूडेंट सबका, देख लीजिए आंसर हमारा आ रहा है 2/9। वेरी गुड, एक्सीलेंट, आई होप इतनी समझ में आया होगा। अच्छा उज्जवल बोल रहे हैं कि मैम रिपीट कर दीजिए। ठीक है उज्जवल, उज्जवल आपको क्या किया है, 2 सर दिया हुआ है, पहले वाले सर को दूसरे वाले सर से भाग करना है, हिंदी में तो विभाजन करना है। ठीक है, तो आपको पता है जो सर दिया है उनका ऑर्डर सेम है। ठीक है, वर्गमूल जिसको यहाँ पे, ये वाला जो सिंबल स्टूडेंट यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, तो ये मतलब देखो जैसे ये दिया है, ये हो गया,
वर्गमूल हो गया 3 का, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैंने लिखा है ऐसा तो ये हो गया वर्गमूल 27 का, इंग्लिश में हम इसको बोल रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 ऊपर वाले को, और ये है स्क्वायर रूट ऑफ 27, ठीक है। तो स्टूडेंट इसको सोल्व करने का तरीका एक तो मैंने आपको बताया, दूसरा तरीका ये है, दूसरा वाला तरीका स्टूडेंट देखिए, दूसरा वाला मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ स्टूडेंट। ये वाले स्टेप के बाद आप डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं 2/3, और ये जो स्क्वायर रूट है डायरेक्टली ऐसा लिख सकते थे, ये हो गया 3/27 और ये स्क्वायर रूट के अंदर, क्योंकि हमने स्टूडेंट रेडिकल्स के नियम सीखे थे लास्ट लेक्चर में, तो वहां से भी आप ऐसा करते तो 3 × 3 और 3 × 27, ठीक है। यहाँ पे आप लिखते हैं ऐसा, ये हो गया 3 × 1 = 3, ठीक है, और ये 3 स्टूडेंट कितना होगा 3 × 9 है ना, सब लोग एग्री करेंगे कि नहीं। तो यहाँ से 2/3 × √1/9, तो ये हो जाता आपके पास 2/3 × 1/3, तो वहां से भी आंसर हमें 2/9 आता, ठीक है। जो आपको मेथड इजी लगे वैसे कीजिए। आई होप स्टूडेंट ये वाली बात समझ में आई होगी सबको। यस मैम। यस मैम। अच्छा किसी को डाउट है? उज्जवल आपको समझ में आया? आपने पूछा था कि मैम कैसे करेंगे, समझ में आया? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा सा हम लेट हो स्टार्ट किया था, इसकी वजह से मैं थोड़ा सा यहाँ पे टाइम आपका ले रही हूँ। तो ये हमारा हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी स्टूडेंट ये वाला देखिए, ठीक है, अभी किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ सकते हैं। अभी स्टूडेंट यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है 2 सर्ट को, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए दोनों सर्ट का ऑर्डर सेम दिख रहा है कि अलग अलग दिख रहा है? पहले वाले सर्ट का ऑर्डर कितना है? अलग अलग है। वेरी गुड। पहले वाले सर्ट का ऑर्डर कितना है कौन बताएगा? क्यूब रूट ऑफ 3। वेरी गुड। ये इसका ऑर्डर 3 है। दूसरा वाला जो सर्ट है ये 4√2, इसका ऑर्डर कितना है स्टूडेंट? 4 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये जो सर्ड है उनको सेम ऑर्डर का बनाना पड़ेगा। तो पहले कौन मुझे बताएगा? एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक जिसको आप बोल रहे हैं, ये सर्ड्स के ऑर्डर का आपको लेना है। एलसीएम 3 और 4 का कितना होगा? 12। वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए तो आप क्या लिख रहे हैं, क्यूब रूट ऑफ 3, ठीक है, जो आप लिखते 3 का पावर 1/3, ठीक है, आप इसको लिखेंगे 3 का पावर, क्योंकि हमें एलसीएम लिया है ऑर्डर का 3 और 4 का, ये 12 आता है, तो यहाँ पे 12 चाहिए, तो 1/3 को मैं 4/12 लिख दूं क्या स्टूडेंट? समझ में आ रहा है पावर में? यस मैम। देखिए यस मैम, क्योंकि कैंसिल करके स्टूडेंट आपको 1/3 ही मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया है 3 का पावर 4 टोटल का पावर 1/12, और ये हो गया हमारे पास ऐसा, ठीक है, सर्ड हो गया ऑर्डर 12 का, और ये हमें लिखा है यहाँ पे 3 का पावर 4, ठीक है, मतलब 12√3 का पावर 4, ठीक है। किसी को डाउट है तो प्लीज बता दीजिए। एवरीवन जो भी क्लास में है स्टूडेंट, समझ में आया? यस मैम। ओके, नेक्स्ट वाला देख लीजिए स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है 4√2, ठीक है, तो ये स्टूडेंट क्या हो गया, 2 का पावर 1/4, ठीक है, क्योंकि हमने क्या है ऑर्डर बनाना है सर्ड का 12, तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 का पावर स्टूडेंट क्या करेंगे, जो इंडेक्स है पावर में स्टूडेंट 3 से गुणा और भाग करेंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3/12। अच्छा एक स्टूडेंट को यहाँ पे कुछ डाउट है, नवीन को, नवीन कुछ पूछना चाहते तो प्लीज पूछ लीजिए। नो मैम। ओके ठीक है, ये वाली बात समझ में आई स्टूडेंट? मैं ऐसा लिख सकती हूँ क्या 2 का पावर 3/12? Yes, ma'am. Okay. ये हो गया 2 का पावर 3, मतलब 2√3 टोटल का पावर 1/12। इंडाइसेस का प्रॉपर्टी आपने सीखा है, पावर पावर मल्टीप्लाई होता है, तो मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ से स्टूडेंट क्या हो गया, ये हो गया सर्ड ऑर्डर 12 का, और यहाँ पे लिखा है मैंने मतलब 12√2/3। समझ में आया स्टूडेंट? Yes, ma'am. अभी इजी है ना, अभी इजी है ना, देखिए देयरफॉर आप लिखेंगे, देखिए √3 मल्टीप्लाई करना था आपको किससे, 4√2, ठीक है, और अभी आपने उनको सेम ऑर्डर का बना दिया, आपको पता है यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 3 किसके बराबर है स्टूडेंट, यहाँ पे 12√3/4, ठीक है, गुणा किससे होगा, 12√, यहाँ पे देख लीजिए आपने बोला है यहाँ पे 2 का पावर 3, ठीक है, अभी आपको पता है ऑर्डर सेम हो गया सर्ट का, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो गया यहाँ पे देखिए 12√2, और ये जो अंदर है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 का पावर 4 और यहाँ पे 2 का पावर 3, ठीक है, 12√3/4 × 2/3, ठीक है। कौन बच्चा मुझे यहाँ पे जो मैंने लिखा है स्टूडेंट ये रेडिकल साइन के अंदर उसको गुणा करके मुझे बताएगा?
पवन ने यहाँ पे हैंड रेज किया, पवन प्लीज बताइए क्या नहीं समझ में आ रहा है आपको। पवन मैम आंसर है 6 raised to power 12। ओके यहाँ पे 6 raised to power 12, एक सेकेंड, 6 का, अच्छा आपने कुछ इसको सोल्व कर दिया है क्या? अच्छा 6 का पावर 12 कैसे आया आप मुझे बताइए। देखो 3 का पावर 4, ठीक है मैं बोल रही हूँ इसको थोड़ा सोल्व करके बताइए। देखो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट में एक बार बता देती हूँ, एक बार ट्राई करते, लेकिन 6 का पावर 12 तो नहीं आएगा स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है कैसे, क्योंकि यह देखो एवरी वन प्लीज ध्यान दीजिए, एक बार मैं करेक्ट करके दिखा देती हूँ। देखिए ये सर आएगा, आपको पता है ऑर्डर यहाँ पे सर का 12 आया, ठीक है, और यहाँ पे अंदर क्या था स्टूडेंट, रेडिकल साइन के अंदर क्या था, 3 का पावर 4, 3 का पावर 4 आपको पता है स्टूडेंट 81 होता है। yes, ma'am. और यहाँ पे 2 का पावर 3 करेंगे तो 8 होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई करके बताइए स्टूडेंट कितना होगा, 8 2 8 64 आपको पता है, और ये आ रहा है क्या देख लीजिए, 648 का, ठीक है ये दिख रहा है, मतलब 12 रूट हो गया किसका, 648 का, 648 पक्का ना? प्लीज यहाँ पे जिस स्टूडेंट ने मुझे 6 का पावर कुछ बताया था प्लीज एक बार चेक कर लीजिए आप, यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया हो। आई होप स्टूडेंट ये सबको समझ में आया। ओके स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट और ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, तो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको डिवाइड करना है, तो सेम ऐसे ही करना है, तो प्लीज मैं आपके लिए होमवर्क में दे रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि अभी टाइम हमारे पास कम है, तो आपको सेम ऐसे ही करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है जो सर्ड है वो डिफरेंट ऑर्डर के, ठीक है आपको चाहिए तो मैं अभी करके भी दिखा सकती हूँ, लेकिन आपका टाइम ज्यादा हो जाएगा, तो प्लीज यहाँ पे क्या करेंगे, पहले जो सर्ड है सेम ऑर्डर का बनाइए, फिर जो इंडाइसिस जो रेडिकल्स के रूल हमने सीखे थे स्टूडेंट वो यहाँ पे आपको अप्लाई करना है, ठीक है, तो प्लीज ये ट्राई कीजिए और मैं इसका सोल्यूशन भी आपको शेयर करने वाली हूँ। वैसे ही सेम आपको स्टूडेंट यहाँ पे 3 सर्ड को कंपेयर करना है, कौन सा बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें, डिसेंडिंग का मतलब ये है स्टूडेंट पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है, तो ये सब क्लास में करने वाले थे बट हुआ नहीं, ठीक है, तो स्टूडेंट सिर्फ यहाँ पे एक मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन दिखा देती हूँ इस टाइप के, फिर आज का हम क्लास खत्म करते हैं, ठीक है एवरीवन। यहाँ पे मोहित कुछ डाउट है, सॉरी मुझे पता आज थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ले लिया हमने, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे क्लास में थोड़ा सा इश्यू हो गया था स्टार्टिंग में, तो एक क्वेश्चन में ये वाला करके दिखा रही हूँ आपको स्टूडेंट, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको क्वेश्चन में, ऐसा है कि आपको ये जो सर्ड दिख रहे हैं ना उसको प्योर सर्ड बना रहे हैं, मतलब क्या है जो ये नंबर आपको दिख रहे हैं जो 5 है वो आपको पता है क्यूब रूट ऑफ 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 5 को मुझे ये जो है ना अंदर ले रहा है, मतलब क्या, एक मैं सिर्फ एक करके दिखा रही हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट ये 5 है और ये क्या है इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, 4 का पावर हो गया आपके पास 1/3, कितने बच्चे एग्री करेंगे ये वाली बात से, 5 गुणा घन मूल हो गया ये ना, घन मूल 4 का, हिंदी में बोले तो यहाँ पे स्टूडेंट, इंग्लिश में बात करें तो 5 into यहाँ पे क्या हो गया क्यूब रूट ऑफ 4, ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे मेरा कहने का मतलब कि इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं इसके ऊपर, तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे पावर मुझे क्या है यहाँ पे सेम बना है, तो क्या करूंगी मैं ऐसा लिख सकती हूँ क्या, 5 का पावर 3 टोटल का पावर 1/3, कितने बच्चे एग्री करेंगे मैं ऐसा लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ स्टूडेंट 5 का पावर 3 टोटल का पावर 1/3 करूंगी, तो 3 कैंसिल होके पावर में, तो 5 का पावर 1 ही मिलेगा, मतलब 5 ही मिलेगा, ठीक है, मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ स्टूडेंट, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में ऐसा हो जाता है कि जो आपको दिया हुआ है सर उसको प्योर सर दिखाना है, मतलब देखिए यहाँ से क्या मेरा आपको 5 का पावर 3 × 4 और टोटल का पावर में बता सकती हूँ 1/3 है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई स्टूडेंट, ये हो गया हमारे पास, देखिए एक सर हो गया, दूसरा ऑर्डर हो गया 3, ठीक है यही चीज हमें करना था, ठीक है एवरीवन प्लीज ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है क्लास के लिए, तो यहाँ पे चाहे तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके कर दीजिए, ये हो गया आपके पास क्या है क्यूब रूट ऑफ, अभी 5 का पावर 3 कितना होता है स्टूडेंट, 5 × 5 × 5 125 ना, 125 को 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा, कोई बच्चा बताएगा, 125 500, ठीक है तो ये हमारे पास ये हो गया, ठीक है तो आज के लिए स्टूडेंट सिर्फ इतना ही, और ये जो क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए स्लाइड में आपको ट्राई करना है, डोंट वरी ये जो आपको दिया है इसके क्वेश्चन आंसर मैं प्रोवाइड करूंगी, लेकिन होमवर्क में जो क्वेश्चन है स्टूडेंट प्लीज आप ट्राई कीजिएगा, कुछ भी दिक्कत रहेगी कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सबसे पहले वही डिस्कस करेंगे, ठीक है ओके स्टूडेंट, यहाँ पे तो मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रही हूँ, थैंक यू सो मच यहाँ पे स्टूडेंट ज्वाइन करने के लिए, एंड एक सेकेंड यहाँ पे रिकॉर्डिंग में बंद कर देती हूँ, एंड हो यहाँ